तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूट्यूब थंबनेल की के फोटोशॉप में कैसे थंबनेल बनाया जाता है। तो फर्स्टली हम इसकी 1280 जो विड्थ है वो रखेंगे, 720 इसकी हाइट रखेंगे। तो इसको पिक्सल में सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम इसका नाम दे देते हैं थंबनेल मेकर। तो इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे सब लिखने के बाद। तो इस तरह हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है सिस्टम, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये वाइट डिस्प्ले आ गया है, ये बैकग्राउंड है हमारा, हम इसके ऊपर फर्स्टली एक लेयर लेंगे, क्योंकि जब भी हम फोटोशॉप में काम करते हैं तो हमें लेयर पे काम करना होता है ताकि हमारा दूसरा वर्क ख़राब ना हो। तो हमने लेयर ली, उसके बाद हम शेप टूल में जाएंगे। अभी हम इधर एक शेप लेंगे, मैं इधर शेप राउंड शेप यूज़ करूँगा। और जब हम इस तरह बिल्कुल एक्यूरेट गोल शेप लेनी होती है तो हम कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हैं, साथ इसको ड्रैग करते हैं। अभी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। इधर एडजस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि जो हम पिक्चर और थंबनेल बनाना चाह रहे हैं ताकि वो प्रॉपरली बन जाए। इधर से थोड़ा सा इसका जो ओवरले है वो कर देंगे। उसके बाद हम इसकी जो अंदर वाली फिलिंग है उसको हम ऑफ़ कर देंगे ताकि हमें बिल्कुल साफ़ और इसकी बार बार लाइंस दिखें। अब इसके ऊपर हमने एक और लेयर लेनी है। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट आपने साथ प्रेस करना है इसके, वरना ये सही एक्यूरेट साइज़ में नहीं होगा। तो हम एक और न्यू लेयर लेंगे, उसके ऊपर हम एक पिक्चर लेंगे जिसको इसके ऊपर प्लेस करेंगे। तो हम चाहेंगे फाइल में जाएंगे और लास्ट में इसके अंदर प्लेस में जाकर हमें जो पिक्चर है सिलेक्ट करनी, उस पिक्चर को हम इसके अंदर प्लेस जिसको करना है उसको करेंगे। मैं इसको करने लगाऊँ तो अभी पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कर लेंगे ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर लेंगे, उसके बाद इसको एडजस्ट करके उस दायरे के अंदर ले आएंगे ताकि हम इसको इसके अंदर सेट कर सकें। और इसको सेट करने के बाद ओके करेंगे, फिर हम इस फाइल के लेयर के ऊपर जाएंगे और हम क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक किया तो ये फाइल हमारी जो हमने बाहर वाली लाइंस ली थी उसके अंदर चलेगी, लेकिन ये रॉन्ग हो गया, हमें तो उसके अंदर चाहिए थी। अभी हमने कंट्रोल जी प्रेस किया तो इसको बैक ले आए। अभी हम दोबारा इसकी फिल को ओपन करेंगे ताकि इसकी जो फिल हो उसके अंदर ही ये शेप ये पिक्चर इंसर्ट हो। तो शेप के अंदर जाएंगे, दोबारा शेप टूल में जाएंगे, उसी लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम इसकी शेप की फिल को ओपन करेंगे। अभी हम न्यू लेयर ले ली है, लेकिन इस न्यू लेयर को हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी हमें सिर्फ शेप टूल में जाना है। तो अभी शेप टूल पर सेलेक्ट करके और नीचे से शेप के जो लाइन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, और इसके जो फिल है उसको हम कोई भी कलर दे देंगे। इसका कलर इसलिए दिया जाता है ताकि उस जो हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है उसको पता हो कि किसके अंदर इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। अभी हम क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये एक्यूरेट उसके अंदर सेट हो जाएगी। अभी हमें लेनी है सेकंड शेप। तो डिज़ाइन हमने जो सोचा हुआ है उसके मुताबिक हमें सेकंड शेप इस जगह पर लेनी है। तो हम दोबारा शेप टूल में जाएंगे, ये पहले न्यू लेयर ले लेंगे ताकि हमारा वर्क बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो शेप टूल में मैं रेक्टेंगुलर टूल लूँगा, उसके ऊपर मैं एक इधर ही एक शेप लूँगा। अभी जैसे ही मैंने ये शेप ली तो इस शेप का कलर तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा क्योंकि ये कलर पहले ही सिलेक्ट हुआ होता है। उसके बाद इस शेप को रखने के बाद वो नीचे वाला गायब हो गया क्योंकि मैंने ये लेयर सबसे ऊपर ली थी, इसीलिए वो नीचे वाला जितना भी वर्क था वो सारा हाइड हो गया। तो हम इस शेप को पहले उठा के नीचे ले आएंगे ताकि हमारा जो ऊपर वाला वर्क है वो वैसे एज इट इज़ रहे। अभी हम जो काम करना है इस शेप पर करेंगे ताकि हमारे जो
इस शेयर के जो शेप है इसके ऊपर हम न्यू लेयर्स लेते जाएंगे तो इसके ऊपर वर्क करते जाएंगे। अभी हमें एक और पिक्चर प्लेस करनी है जो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है उर्दू टाइपिंग में, क्योंकि इस पर फोटोशॉप के अंदर उर्दू टाइपिंग करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर करना पड़ता है, तो अभी मैंने वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैंने ये पहले ही उर्दू टाइपिंग जो है वो करके रखी हुई थी। तो अभी हम इसको इधर एडजस्ट कर देंगे, इसको एरो के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता से ट्रैक करके इसको सेट करके इसकी पोजीशन पे अंदर रख देंगे ताकि हमारी पिक्चर्स एज इट इज़ नज़र आए। तो गाइस अब हम एक और न्यू लेयर लेंगे और इधर टेक्स्ट राइट करेंगे। जितनी लेयर्स लेंगे उतना ही मतलब अच्छा होगा, क्योंकि लेयर्स पर काम करने से आपका जो दूसरा वर्क होता है वो आपका ख़राब नहीं होता, वरना अगर आप उसी के ऊपर लेयर नहीं लेते वैसे ही काम करते हैं तो फिर आपकी दूसरी जो भी आपने काम किया होता है उसको प्रॉब्लम होती है। तो इधर हम टेक्स्ट लिखेंगे यूट्यूब थंबनेल और बाद में उसको एडजस्ट करते हैं। पहले यूट्यूब थंबनेल लिखने के बाद हम इसको और सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसके कलर देंगे और एडजस्ट करेंगे। अभी हम इस ऊपर टूल पे जाएंगे जो टेक्स्ट टूल का है, पहले कलर एसटीज पहले रहने देते हैं ना, बाद में कर लेंगे, या अभी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर्स वो होना चाहिए जो मतलब यूनिक नज़र आए, ताकि आपकी जो थंबनेल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैच करे। आई कैचिंग कलर्स इसलिए ज़्यादातर थंबनेल में यूज़ होते हैं ताकि जब भी कोई सर्च करे तो आपकी जो थंबनेल है वो उसको फर्स्टली दिखे। तो हमने थंबनेल यूट्यूब थंबनेल का एक टेक्स्ट लिखकर इधर रख दिया है। अभी एक और टेक्स्ट मैंने पहले से राइट करके रखा हुआ है, अब उसको हम प्लेस करेंगे इस जगह पे। तो हम फिर प्लेस में जाएंगे, फाइल और प्लेस में, उसके बाद हम इसके अंदर ये टेक्स्ट प्लेस कर देंगे। अभी इस टेक्स्ट को भी हम थोड़ा सा ड्रैग करके एडजस्ट कर लेंगे ताकि जितनी हमें रिक्वायर है उतना हमें ये टेक्स्ट वहीं पे मिल जाए, और जैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ऊपर से इसको क्लिक कर देंगे ओके के बटन पर। तो जैसे हम ओके कर देंगे तो ये इधर जैसे देखें आप गाइस, अब हमने क्योंकि टैक्स इसके नीचे लिया हुआ है इस वजह से जो हमारा टैक्स है वो इसके नीचे आ गया, वो दिख नहीं रहा। अभी हम टैक्स की फ़ाइल को जो है इसके ऊपर ले जाएंगे ताकि जो न्यू हमने प्लेस किया है वो नीचे ही रहे। तो इस तरह मतलब आगे पीछे फाइल लेयर्स करते हुए इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप कंट्रोल सी करके उसको बैक कर सकते हैं, तो अपनी वर्किंग को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने ये एक और पिक्चर प्लेस कर दी। अब हम एक और टेक्स्ट लिखेंगे इधर ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाए और एक यूनिक वर्ड बन जाए। तो इधर हम लिखेंगे स्टाइल, तो स्टाइल का टेक्स्ट लिखेंगे। हमने कलर कम्बिनेशन का ख्याल रखना है, जो भी कलर ऊपर यूज़ किया है टेक्स्ट में वही कलर नीचे वाले टेक्स्ट में भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कलर्स यूज़ करेंगे तो फिर वो ओवर हो जाएगा और एक यूनिक लुक नहीं देगा। जो टेक्स्ट हम एक ही शेप या एक ही इंटरफेस पे लिख रहे हैं उनका ध्यान रखें ताकि उनका ज़्यादातर मोस्टली कलर जो है वो सेम ही हो। इसको ड्रैग करके थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर लेंगे और इसको एडजस्ट करने के बाद ओके कर देंगे। अभी हमें इधर और एक जो मैंने पिक्चर पहले इसके अंदर वो की है प्लेस, उसको दोबारा प्लेस करेंगे। उसके अंदर से हम एक वर्ड को कट करेंगे, तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी इसके अंदर हम इसको ओके कर देते हैं। तो अभी हमें इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें पहले रेज़र टूल को यूज़ करना है। रेज़र टूल को थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, तो ओके कर देते हैं ऊपर से।
रेज़र टूल में जाएंगे और रेज़र टूल के अंदर फर्स्ट वाला रेज़र लेंगे, तो इधर आकर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो हमने जैसे इसको प्रेस किया की को, तो ये रिमूव तो हो गया, लेकिन ये इसके अंदर प्रॉब्लम कर रहा है और जो हमें वर्ड चाहिए उसके अंदर भी रेज़र आ रहा है। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इधर से सेकंड वाला रेज़र लेंगे और अब इसको रिमूव कर देंगे, तो अब वो दूसरे वाले वर्ड को प्रॉब्लम नहीं करेगा, अभी इसको जितना चाहिए उतना रेज कर देंगे। इसके अलावा एक और हमारे पास भी तरीका है कि हम रेज़र टूल में जाएँ, अगेन रेज़र टूल के अंदर जाएँ और उधर से मैजिक रेज़र टूल को यूज़ करें। तो हम पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर हम मैजिक रेज़र यूज़ करेंगे ताकि इसको उधर सेंटेंस को लगा सकें। तो अभी हम मैजिक रेज़र टूल के अंदर जाएंगे और उधर से मैजिक रेज़र को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैजिक रेज़र सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे तो ये रेज़ हो जाएगा। अभी इसको एडजस्ट कर लेते हैं और इसका साइज़ भी थोड़ा सा ड्रैग करके जिस तरह भी चाहिए वो सेट कर सकते हैं। तो गाइस एक हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसके बाद दूसरी शेप्स लेनी है जो हम नीचे अप्लाई कराएंगे ताकि हमारा प्रॉपर थंबनेल जो है वो बन जाए। अभी हमने एक और शेप लेनी है जो कि हम नीचे यूज़ करेंगे, तो हम शेप टूल में जाएंगे और इधर से फिर हम एक शेप लेंगे। पहले हमारी रेक्टेंगुलर शेप सिलेक्ट है लेकिन अभी हमें रेक्टेंगुलर शेप नहीं चाहिए, तो अब हम इसके ऊपर राउंड शेप की एक जो राउंड शेप का लेंगे। तो इधर मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें एक शेप मिले। इस बार मैं अब ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे एक्यूरेट और राउंड शेप में नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की शेप चाहिए, तो मैं इसको वैसे ही ड्रैग कर लूँगा। इसको गाइस इस शेप को बनाने से पहले मैंने एक न्यू लेयर ली, क्योंकि जब भी इंटरफेस पर काम करना है तो एक न्यू लेयर हर दफ़ा लेनी है ताकि आपका जो प्रीवियस जो भी वर्क है वो डिस्टर्ब ना हो। हमने इस शेप को एडजस्ट कर लेते हैं और इसको एडजस्ट करने वाले ओके कर देते हैं। अब हम इस शेप का जो इसके अंदर वाला हिस्सा है इसके अंदर हम कलर कर देते हैं। तो हम शेप के ही टूल में जाएंगे और इसकी फिल को थोड़ा सा कोई और यूनिक सा कलर दे देते हैं ताकि हम जो इसके अंदर बाद में पिक्चर प्लेस करें तो हमें एक यूनिक लुक दे। अभी इसके अंदर हम कोई भी कलर कर देते हैं। अभी हम आपने देखा कि हमारी जो लेयर थी वो कोई और सेलेक्ट थी, इस वजह से ऊपर वाली जो हमारी रेक्टेंगुलर बनी हुई थी शेप बनी थी उसके अंदर कलर हो गया। तो अब हम जो हमारी असल शेप है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब हम इसकी फिल को सेलेक्ट करेंगे। अभी देखें आप इसकी फिल भी वही कलर हो रहा है जो ऊपर से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें कलर ये वाला कलर हम कर लेते हैं इसके अंदर। तो अभी हम इसको ओके कर देते हैं। अभी हम जाएंगे प्लेस में और फिर से कोई एक पिक्चर प्लेस करेंगे जो हमें इसके अंदर एडजस्ट करे ताकि हमारा थंबनेल कंप्लीट हो। तो हम प्लेस के अंदर जाएंगे, मैंने पहले से पिक्चर रखी हुई है तो मैं इस पिक्चर को इसके अंदर इंसर्ट करूँगा। दोस्तों ये पिक्चर इसके पिक्चर के बैकग्राउंड नहीं है, तो इस पिक्चर को PNG कहते हैं, पिक्चर नो बैकग्राउंड। तो ऐसे पिक्चर्स आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं जो वेक्टर फॉर्म में होती हैं और खुद से भी बना सकते हैं। तो अब मैंने इस पिक्चर को इधर इंसर्ट कर दिया है, तो अभी मैं इस पिक्चर को इसके साथ एडजस्ट करने के बाद इसके अंदर क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। दोनों मैं कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा ताकि मैं जिधर भी इसको एडजस्ट करना चाहूं तो कर लूं। मैं कंट्रोल प्रेस करके दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लिया। अभी सिलेक्शन टूल के साथ एरो इसको साइड पे ले आया। अभी इस शेप को मैंने इधर एडजस्ट कर दिया। ऊपर वाली जो हमने एक पिक्चर प्लेस की थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था उर्दू टेक्स्ट में, तो वो इसके ऊपर आ रही है।
अभी हम इसको सेट करेंगे, करना चाहेंगे तो मतलब इसको इस तरह की लुक देंगे ताकि वो फील ना हो कि वो अलग से हमने इमेज इसके ऊपर रखी हुई है। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और फिर इसके अंदर इसको इस लेयर को उठाकर हम इसके नीचे ले थोड़ा सा ऊपर एरो की इसके साथ इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम एक और लेयर लेंगे जिसके अंदर एक नई रेक्टेंगुलर और एक नई शेप लेंगे जो इसके नीचे लेंगे हम, ताकि नेक्स्ट जो भी हमने शेप को लुक देनी है या स्टाइल देना है वो कंप्लीट हो सके। तो अभी हमने फिर सबसे लास्ट वाली रेक्टेंगुलर के ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर एक न्यू लेयर लेना है। तो न्यू लेयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब न्यू लेयर नहीं लेंगे तो फिर वो काम उसी लेयर के ऊपर हो जाएगा, तो फिर वो जब भी हम उसको ड्रैग करके साइड या इंसर्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। अभी हमने नीचे न्यू लेयर ली और उसके ऊपर एक और शेप ले ली और इस शेप को भी हम कलर देंगे। पहले से कलर हो चुका है तो एज इट इज़ ही कलर रहने देंगे, ये भी एक यूनिक कलर दे रहा है। देखिए आप इधर से वो जो हमने पिक्चर ऊपर प्लेस की थी ये वाली, ये थोड़ा सा लेवल को मेंटेन नहीं होने दे रही, तो हम इसको थोड़ा सा मूव करवाएंगे ऊपर मूव टूल में जाके थोड़ा सा, तो उसके बाद हम इसकी देख सकते हैं कि ये स्केल के मुताबिक कंप्लीट है। तो ऊपर से स्केल को नीचे ड्रैग करेंगे और चेक कर लेंगे ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम फिर से अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जो न्यू शेप ली है उसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे जो हमारे इस थंबनेल को कंप्लीट करने में हमारी मदद करेगा। तो अभी हम इसके ऊपर एक और न्यू लेयर ले देते हैं। अभी इसके ऊपर हमने लिखना है टेक्स्ट, तो इधर हम लिख देंगे हाउ टू क्रिएट, तो हमें ताकि हम जो थंबनेल बनाना चाह रहे हैं जो भी हमें टाइप करना है अपने थंबनेल के मुताबिक हम उसको इधर एडजस्ट कर लेंगे। तो फोटोशॉप में ये काम बहुत ही आसान और बिल्कुल एक्यूरेट होता है क्योंकि इसके अंदर ना तो आपको कोई वाटरमार्क की टेंशन होती है, आप इजीली अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इधर अपनी पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हैं और जो भी आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड है आप इधर लिख सकते हैं। तो मैंने इधर हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट को एडजस्ट कर दिया है, इसका कलर मैंने एज़ इट इज़ रहने दिया है और इसके नीचे मैं लिखूँगा एक दो और वर्ड्स। तो इधर हम लिख देते हैं 2021 यूनिक और नीचे हम लिख देंगे थंबनेल। अगर हम इसके साथ ही इसको लिखेंगे तो फिर ये इधर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो हम एक न्यू टेक्स्ट की फॉर्म में इसको लिखेंगे। हम इधर सिर्फ 2021 यूनिक लिखेंगे। अभी इसको भी थोड़ा सा ड्रैग करके एडजस्ट कर देंगे हम और फिर इधर हम लिख देते हैं थंबनेल। फर्स्ट वाला जो भी वर्ड होता है उसको हम कैपिटल लिखेंगे और इस तरह एक यूनिक लुक आ जाती है। तो ये वैसे भी राइटिंग का रूल होता है कि फर्स्ट वाला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा। तो हम इसको इधर एडजस्ट कर देंगे और उसके बाद हम इधर इसको एडजस्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे। अभी हमारा जो थंबनेल है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। तो हमें ये ऊपर वाली फ़ोटोशॉप में जो हमने लिखा हुआ है इसके साथ वाली जगह स्पेस जो है हमें वो बिल्कुल खाली सी नज़र आ रही है, तो इस खाली स्पेस को भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हम एक और टेक्स लिख देते हैं, इधर हम टेक्स लिख देते हैं न्यू टिप्स का। तो इधर एक और लेयर आ जाएगी खुद ब खुद ही जब आप ओके पर क्लिक करेंगे, तो इधर न्यू टिप्स लिख दें। अभी इधर न्यू टिप्स उसी कलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये ओवर सा लगेगा, तो हम इसको कलर कॉम्बिनेशन इसका कलर और चेंज कर देते हैं और इधर से हम कलर्स देख लेते हैं जो भी इसके ऊपर सूट करेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इस पे आएंगे और इसको क्लिक करेंगे, तो इधर से हम कलर्स को चेंज करते रहेंगे।
जैसे ही हम कलर्स चेंज करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। इधर से देख लेंगे हम जो भी कलर्स यूनिक लुक देगा या यूनिक लगेगा हमें, आई कैच होगा, उसको हम इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि इधर कौन सा सूटेबल लगता है जो हमें एक यूनिक लुक दे। तो बहुत से कलर्स हैं, हर किस्म का आपको कलर मिल सकता है। कुछ कलर्स के कम्बिनेशन, कुछ कलर्स जो आई कैचेस होते हैं वो आप गूगल से सर्च करें तो वो आपको उनके नंबर्स से मिल जाते हैं। तो आप उनके नंबर्स को इधर नीचे हैश के पास जो भी जगह है उधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फिर उस तक वो नंबर्स आपको मिल जाएंगे। हम इस कलर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो ये कलर हमें आई कैच लगा, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अभी हमारा जो थंबनेल है काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें कुछ चेंज तो नहीं, लेकिन अभी हम एक और इसके ऊपर वर्क करेंगे। अब हम फोटोशॉप का लोगो इधर बनाएंगे। वैसे तो फोटोशॉप का लोगो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने डाउनलोड वाला नहीं लगाना, मैं खुद से बनाने की कोशिश करूँगा ताकि एक लोगो क्रिएशन का भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और नेक्स्ट वीडियोस में जब हम लोगो की बात करें तो आपको माइंड में हो कि हमने फोटोशॉप का लोगो कैसे बनाया था। फर्स्टली हम इसके जो इंटरफेस का लोगो है उसको कलर देंगे। जो इसके अंदर लिखा होता है PS, उसको कलर जो होता है उसका वो देंगे। उसके बाद हम इसका बाहर वाला हिस्सा बनाएंगे। तो हम ये कलर इसके ऊपर ओके कर देते हैं। और अभी हमें जाना है रेक्टेंगल टूल पे, तो हम उधर से जाके एक शेप लेंगे जो इसके ऊपर ड्रैग करके अप्लाई कर देंगे। ये शेप अप्लाई करने के बाद हम इसको जो रियल कलर है वो इस पर अप्लाई करेंगे। शेप के अंदर फिल में जाके इसको कलर देंगे जो PS कलर होता है। अभी इधर हमें वो तकरीबन सारे कलर्स हैं, लेकिन जो ओरिजिनल PS कलर है वो नहीं मिल रहा, तो हम इधर क्लिक करेंगे और इधर से जो हमें कलर जिस जगह पे सूटेबल लगेगा हम उसे अप्लाई कर देंगे। तो हमें ये कलर थोड़ा सा आई कैच लग रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इसके जो बाहर वाली साइड है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको भी एक अलग सा कलर देंगे। और दोनों का कलर सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो कलर है वो अलग अलग है असल PS में। तो हम कलर कम्बिनेशन, जो कलर एक्यूरेट होते हैं वो तो मुश्किल से ही हम इधर से कैच कर सकेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन उसके साथ मिलते जुलते कलर्स हम इसके अंदर लगा सकें। तो अभी हमारा काफ़ी हद तक ये लोगो क्रिएट हो चुका है। अभी सिर्फ हमें इसका कलर को सिलेक्ट करके और इसको करना है ओके, और फिर उसके बाद हम इस शेप को उठा के इसके नीचे ले आएंगे PS के, और ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। अभी क्योंकि PS दोनों कैपिटल हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि P कैपिटल होता है और S स्मॉल होता है। तो हम इस दर से टेक्स्ट टूल में जाकर इसको फिर से सेट करेंगे और इसको जो टेक्स्ट है उसको एडजस्ट भी करेंगे, इस PS को छोटा कर देंगे। और अब इसको सिलेक्ट करके हम इसका जो साइज़ है उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे ताकि साइज़ लोगों के अंदर एडजस्ट हो जाए, और इसको ओके कर दें। सो गाइस, अब हमारी जो थंबनेल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसकी जितनी भी लेयर्स हैं उन सबको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करके इसका ग्रुप बना देंगे। तो इसको कंट्रोल प्रेस करके माउस के साथ सबको सेलेक्ट करते जाएं, वन वन क्लिक करने के साथ ही हमारी ये सिलेक्शन होती जाएगी। जैसे ही आपके सभी लेयर्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप इसको कंट्रोल जी प्रेस करके इसको एक ग्रुप में कर देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा सारा वर्क एक ही ग्रुप
एक ही फोल्डर में, एक ही लेयर में चला जाएगा। अभी हमने इसकी आई ऑफ की तो ये सब ऑफ हो गया था, अब ये सारा आ गया। तो हमारे ये जो थंबनेल है वो बन चुका है। अब इसको सेव कर लेंगे और इसको अभी के लिए हम PSD में ही सेव कर रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट पहले इसको PSD में सेव कर लेते हैं ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम इस तरह का काम करना चाहें तो हमें मिल जाए कि हमने पहले भी ये काम किया था तो इसमें ये टूल्स यूज़ किए थे। तो अब हम इसको दोबारा सेव एज करेंगे एज JPG। तो ये JPG की लाइन है तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे एज अ JPG। ये देखिए इसके अंदर साइज़ जो है इसका मिनिमम होना चाहिए और इसका बिल्कुल ये एक्यूरेट होना चाहिए। अभी इसको हमने JPG में फाइल कर दिया, अभी इसको हम विंडो को मिनिमाइज़ करते हैं और मिनिमाइज़ करने के बाद हम इसकी जो पिक्चर है उसको चेक करते हैं कि अब हमारी जो थंबनेल मेकर है वो JPG में कन्वर्ट हो चुका है।